गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने सीरीज का थर्ड पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। रफ में बना लेंगे ए बी सी। राइट एंगल कौन सा एंगल है, एंगल बी राइट एंगल है। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। बस अगर हमको ए बी पता है, बी सी पता है, तो सिंपल पाइथागोरस लगाकर ए सी निकाल लेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इंप्लाइज दैट ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना दिया है, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर, आप लोग कम से कम 25 तक स्क्वायर लर्न कर लीजिए। अगर आपको स्क्वायर लर्न रहेगा तो याद करने में इजी रहेगा। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू रूट 625 का स्क्वायर रूट है, 625 स्क्वायर रूट है 25 का। तो एसी कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। आप देखते हैं निकालना क्या था, तीनों साइड में पता चल गया साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल जब ये है, साइन ए पूछा है, तो एंगल ये है, तो अपोजिट साइड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25। और क्या पूछा है, कॉस ए, कॉस ए एंगल ए है तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू 24 अपॉन 25। फिर चलते हैं नेक्स्ट बोल रहा है साइन सी एंड कॉस सी। ये तो पहला था, दूसरा साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन जब अब एंगल सी हो गया, अब एंगल सी के रिस्पेक्ट में साइन निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ए बी। तो 24 अपॉन 25 और दूसरा कॉस सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपकी बेस 7, तो 7 अपॉन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, इन फिगर पहले से दे के रखा है, फाइंड द टेन पी माइनस कॉट आर। फिगर दे के रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, एंगल क्यू राइट एंगल है, पी क्यू दिया है, पी आर दिया है। अब आप पाइथागोरस लगा के क्यू आर नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप पाइथागोरस लगा के क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए जब क्यू आर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा तो 10P क्या हो जाएगा, 10P इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। एंगल कौन सा है, P, तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5। अब बेस कितना हो जाएगा 12 एंड कॉट आर, cot r बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो
cot r, अब एंगल ये हो गया है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस कितना है उसके लिए 5 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12। अब हमें 10 माइनस cot r करना है, तो 10 p माइनस cot r इक्वल टू 10 p की वैल्यू कितना है 5/12 और cot r की वैल्यू भी 5/12 कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड 10 a। फोर्थ क्वेश्चन भी है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। तीसरा चौथा दोनों एक ही तरीके से है, मैं आपको चौथा बताऊंगा, तीसरा आप खुद करने की कोशिश करेंगे। आइए चौथा देखते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं रफली, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और एंगल ए दिया है तो एबीसी ही ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी। एंगल ए को लेके चलना है सॉल्यूशन में 15 cot a इक्वल टू 8, तो cot a इक्वल टू 8/15। cot इधर मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड में चल गया, और आप हमेशा से जानते हैं cot a का फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में a के रेस्पेक्ट में आपको बेस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है। अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर दोनों पता है तो आप पाइथागोरस लगाकर हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो AC इक्वल टू अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा 989। एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। अब आपको तीनों साइड पता चल गया है तो आप साइन ए भी इजीली निकाल सकते हैं और सेक ए, तो सो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 15 हाइपोटेनियस 17। सेक ए का फॉर्मूला क्या है, sec a इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज 17 और बेस कितना है 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। sec दिया है, बाकी आपको 5 sin cos cosec 10 cot निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं रफ में, रफ में एक ट्रायंगल बना लीजिए, थीटा मान लेते हैं, ठीक है, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं सॉल्यूशन sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। इसका रेशियो कितना देके रखा है 13/12, तो हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो कितना है 13/12, तो हम मान लेते हैं बेस कितना है 12 के है, यूनिट भी मान सकते हैं, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 के है। अब आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, नामकरण कर लीजिए ए बी सी, ए भी निकालना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही ना, आपको ए बी चाहिए तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। AC कितना दिया है
13k, तो 13k का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169k स्क्वायर माइनस 12k, तो 144k स्क्वायर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 25k स्क्वायर. एसी कितना आ गया, सॉरी एबी कितना आ गया? 5k. एबी की वैल्यू कितनी आ गई? 5k. ठीक है, अब तीनों साइड अगर पता चल गया तो इजीली आप सभी एंगल निकाल सकते हैं. एबी इतना आया है. ठीक है, चलिए निकालते हैं. साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये. 5k अपॉन हाइपोटेनियस 13k, 5/13. ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस कितना है? 12k अपॉन हाइपोटेनियस 13k, तो 12/13. इसी तरीके से tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है? 5/12 आ जाएगा. tan का उल्टा cot होता है, तो cot थीटा 12/5. आप घबराइएगा नहीं, आप ऐसे रख रख के निकालिएगा. cosec sin का उल्टा cosec, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin θ होता है. ये भी एक फॉर्मूला है. तो cosec थीटा इक्वल टू 1/sin θ, तो 1/sin θ कितना निकाले हैं? 5/13 यहां रख सकते हैं, तब भी आ जाएगा 13/5. निकल गया पांचों, 1, 2, 3, 4, 5. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a इक्वल टू cos b, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. समझने के लिए पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं. नाम कल कर देते हैं ए बी सी. एंगल ए एंड एंगल बी. सॉल्यूशन गिवन दैट, गिवन में दिया हुआ है cos a equals to cos b, मतलब cos a cos b के इक्वल है. cos a एंगल a के रेस्पेक्ट में, cos a का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस AC हाइपोटेनियस AB, AC अपॉन AB. एंड cos ऑफ एंगल b के रेस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेनियस CB अपॉन AC, CB अपॉन AB. AB से AB कैंसिल आउट, AC इक्वल टू CB, मतलब AC इक्वल टू CB. इफ AC इक्वल टू CB, अगर AC इक्वल है CB के और किसी एक ही ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट के एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. जैसे CB के अपोजिट एंगल A एंड AC के अपोजिट एंगल B, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. अपोजिट साइड ऑफ अ सेम ट्राइंगल इक्वल टू अ अपोजिट एंगल. अगर अपोजिट साइड सेम है किसी एक ही ट्राइंगल के, तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7. इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1+sin θ 1-sin θ अपॉन 1+cos θ 1-cos θ. सेकंड cot स्क्वायर थीटा. सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा की तरह रफ में एक फिगर बना लेते हैं. थीटा एंगल मान लेते हैं. गिवन में हमको दिया हुआ है cot थीटा. cot थीटा आप अच्छी तरीके से जान गए हैं, b/p इक्वल टू 7/8.
तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो 7 और 8 दिया हुआ है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में बेस साइड परपेंडिकुलर साइड, तो इसको 7k मान ले, इसको 8k मान ले। फिर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। अब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर। तो 7k का स्क्वायर 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, ठीक है ना, कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 113k स्क्वायर। तो 113k स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1113 और के बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 1113k। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट हमें sin theta चाहिए और cos theta चाहिए, तो 1 a square minus b square का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a plus b, एक ब्रैकेट में a minus b, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है 1 plus sin theta एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 minus sin theta अपॉन एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए डिट्टो ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनियस अंडर रूट 113, ठीक है 113। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 7, हाइपोटेनियस अंडर रूट 113। दोनों की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, क्योंकि ये साइन थीटा की वैल्यू है, यहां पे हमें साइन स्क्वायर थीटा पुट अप करना, इसीलिए साइन 8 अपॉन अंडर रूट 133 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 64 अपॉन 113। स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो उतना ही आ जाता है, 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 और अपॉन 113, फिर से 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो 113 से 113 गया, कितना आ जाएगा ये 113 में 64 जाएगा तो 9 और 10 में से 6 किया 4 और यहां पे 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6, 49 अपॉन 6, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पहला का वैल्यू आ गया 49 अपॉन 64। सेकेंड वाला भी देखते हैं, मिटा देते हैं, सेकेंड वाला बहुत सिंपल है, cot स्क्वायर थीटा पूछा है और cot थीटा दिया है,
तो cot थीटा की वैल्यू cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम क्या करेंगे, कॉट ए दिया हुआ है, टेन ए निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे और दोनों तरफ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया तो इक्वल है और नहीं आया तो नहीं है। आइए शुरू कर, सबसे पहले रफ में फिगर बनाएंगे ट्राइंगल का, एंगल ए ले लेंगे। आइए सॉल्यूशन, 3 cot a इक्वल टू 4/3, तो इंप्लाइज दैट cot इक्वल टू, सॉरी 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है, तो cot a इक्वल टू 4/3। 3 यहां मल्टीप्लाई में था, इस साइड गया डिवाइड में हो गया। अब cot a आप अच्छे से जानते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो 4:3 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं बेस 4 के है और परपेंडिकुलर 3 के है। फिर से आप पाइथागोरस लगाएंगे, 5 के आ जाएगा। इतना करने की कोशिश करिएगा। अब सिंपली हम tan a निकालेंगे, cos a निकालेंगे, sin a निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले पर रख देंगे। तो अब निकाल लेते हैं tan a फॉर्मूला, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3k और बेस 4k, 3/4 आ गया। cos a बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4k, हाइपोटेनियस 5k, k से k कैंसिल आउट, 4/5। एंड साइन निकाल लेते हैं, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, पर के से के कैंसिल आउट, 3/k। अब फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है 1 - 10² a / 1 + 10² a, ठीक है। 10 की वैल्यू क्या निकाले हैं, 10 a की 3/4, तो 10 स्क्वायर a, सॉरी माइनस 3/4, तो 10 स्क्वायर a 3 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 a की वैल्यू 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लेंगे, 16 आ जाएगा और ऊपर 16 - 9, यहां पर भी एलसीएम लेंगे, 16 आ जाएगा इधर, 16 + 9, 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 में से 9 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 16 में से 9 चला जाएगा, बचेगा 7 अपॉन 16 + 9 = 25। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आया है, 7/25। राइट हैंड साइड देख लेते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos a की वैल्यू कितना निकाले हैं, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, साइन की वैल्यू आप निकाले हैं 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 16 में से 16 - 9 = 7/25, लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25, राइट हैंड साइड भी 7/25, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ 10 ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। हमेशा की तरह सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, रफ में बना लीजिएगा। एंगल बी राइट एंगल है और एंगल ए इसको मान लेते हैं ए बी सी ट्रायंगल। टेन ए आप जानते हैं, टेन ए आप अपने से जानते हैं कि टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना दे के रखा है, 1/√3। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो कितना दे के रखा है, 1/√3। तो परपेंडिकुलर ये है, इसको 1 के मान लेते हैं और बेस √3 के मान लेते हैं। फिर अगर आपको परपेंडिकुलर बेस पता है तो पाइथागोरस लगाएंगे, एसी निकालेंगे, एसी आ जाएगा 1k का स्क्वायर k स्क्वायर √3k का स्क्वायर प्लस √3k स्क्वायर अंडर रूट 4k स्क्वायर, एसी आ जाएगा 2k, एसी कितना आ गया 2k। अब आपको तीनों एंगल पता है तो आप इजीली साइन ए कॉस ए निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। साइन ए एंगल ए के लिए, साइन ऑफ एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो ए के लिए परपेंडिकुलर 1k और बेस हाइपोटेनियस 2k, तो k से k कैंसिल आउट 1/2 डायरेक्ट निकाला है हमने। अब डायरेक्ट करिए, बहुत से क्वेश्चन हमने पीछे करवा चुका। अब कॉस सी के लिए एंगल ये, तो जब एंगल ये लिया है हमने तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो कॉस सी निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 1 और हाइपोटेनियस 2, क्योंकि के से के कैंसिल आउट, तो इनटू 1/2 प्लस कॉस ए, तो अब फिर से एंगल ये कॉस के लिए, तो बेस √3 हाइपोटेनियस 2 √3/2। साइन ए, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये, तो फिर से मल्टीप्लाई बाय √3 और हाइपोटेनियस 2, के से के कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 में 3 आ हो जाता है और 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 2 जा 4। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 ही आएगा और 1 + 3 4/4=1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरीके से सेकंड दे के रखा है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब आप बताइएगा कॉस ए हमने कितना निकाला था, √3/2 का मल्टीप्लाई कॉस सी, कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए कितना निकाला था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन सी √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा √3 का 1 में, तो किसी चीज का 1 में मल्टीप्लाई करो तो वही आता है √3/4। फिर से माइनस √3/4 कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ गया 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन पी कॉस पी टेन पी। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल बना लेते हैं, क्यू एट राइट एंगल पी क्यू आर, क्यू राइट एंगल है और गिवन में दे के रखा है कि पी आर प्लस क्यू
QR equal to 25 centimeter and PQ 5 और PR और QR मिला के 25 सेंटीमीटर है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है तो हम लोग लिख सकते हैं PR इक्वल टू 25 माइनस QR। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब इन ट्राइंगल PQR अप्लाइंग पाइथागोरस बाई पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, PR का वैल्यू क्या है 25 माइनस QR, तो PR स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर। अब PQ कितना दिया 5 का स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर लगाएंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 25 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, राइट हैंड साइड भी QR स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड भी QR स्क्वायर, कैंसिल आउट। 25 का स्क्वायर 625 और 2 इंटू 25 इंटू QR माइनस 15 QR इक्वल टू 25। ये नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव। 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 QR। ठीक है, 600 इक्वल टू 50 QR, QR इक्वल टू 600 अपॉन 50। 10 से 10, राम राम सत्य। 5 1 5 5 1 5 5, 5 2 10 12। QR कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर QR 12 है तो PR इक्वल टू 25 माइनस 12, PR की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो QR 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर। अब क्या क्या निकालना है, साइन ऑफ एंगल P, एंगल P के लिए साइन, तो परपेंडिकुलर, ये सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो QR अपॉन PR, तो साइन इक्वल टू 12 अपॉन 13। कॉस पी, एंगल ये है तो बेस पी क्यू, पी क्यू अपॉन पी आर 5 अपॉन 13, एंड 10 पी परपेंडिकुलर बाय बेस 12 अपॉन 5। नेक्स्ट देखते हैं 11, ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ट्रू फॉल्स बताना है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, बोल रहा है 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, नहीं, फॉल्स है, क्योंकि 10 की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाती है। सेकंड, sec a 12 by 5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल a, बोल रहा है कुछ एंगल्स a के लिए कहीं कहीं sec a की वैल्यू 12 by 5 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। cos is the abbreviation used for the cosecant of angle A. cos cosine का abbreviation है और cosecant cosec का abbreviation है, इसलिए false. cot is the product of cot and A. cot A का मतलब क्या है, cot A, cot and A का product, false. cot A का मतलब है cot of angle A. sin theta 4 by 3 for the sum angle of theta. अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है और उसमें साइन 30 साइन 45 डिग्री की वैल्यू इजी तरीके से लर्न कैसे करेंगे।
आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।